जय श्री राम, जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। गायत्री साधना के चार प्रमुख नियम, जिन्हें अपनाने से गायत्री मंत्र तुरंत फल प्रदान करने लगेगा। जी हाँ, ऐसी चार बातें, चार सूत्र, चार नियम जिनको आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपने इनके मुताबिक साधना की है तो गायत्री मंत्र फलित होगा और उसका लाभ भी आपको बहुत जल्द मिलने लगेगा। देखिए, ये कुछ नियम होते ही इसलिए हैं ताकि मंत्र का जो लाभ है वो जल्दी मिले। गायत्री मंत्र का जप करने से विद्या, बुद्धि, सद्ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही अनेकों मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी मनोकामनाएं जो आपने सोची नहीं होंगी कि क्या ये कभी पूरी हो सकती हैं, वो भी पूरी होती हैं। गायत्री मंत्र के जप के बाद उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद में भी गायत्री महामंत्र का उल्लेख आता है और इसे जपने से, उच्चारण करने से जीवन प्रखर होता है, तेजोमय बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस महामंत्र को जीवन में एक बार अनिवार्य रूप से जप कर लेता है, यदि वो एक साधना कर लेता है या वो नियम बना लेता है कि उसको रोज करना है, तो उसके जीवन के जितने भी अभाव हैं अभी तक के, वो सब दूर होंगे। सफलता, समृद्धि, उन्नति और सिद्धि का स्वामी वो व्यक्ति हो जाता है। चलिए उन नियमों पर आते हैं। तो पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री साधना करना। ब्रह्म मुहूर्त में मां गायत्री की साधना करना सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। पूजा पाठ का सही तरीका हो, सही समय पर की जाए तो उचित फल मिलता है और घर में सकारात्मक माहौल बढ़ता है। सकारात्मक माहौल घर में बढ़ेगा तो क्या होगा कि खुशियां आएंगी, घर परिवार के सभी लोग खुश होंगे। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा है। हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस समय जागने और पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है। देखिए, दूसरा नियम है पूर्व की तरह मुंह करके बैठना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सामान्य तौर पर पूजा करते वक्त पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। धार्मिक विशेषज्ञों का ये मानना है, हमारे सनातन धर्म में ये दिया है कि साधना की सफलता और ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके की गई पूजा चमत्कारिक लाभ देती है। चमत्कारिक लाभ देती है मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, यकीन नहीं होगा, इतने ज्यादा चमत्कार होंगे। हर एक दिशा का एक स्वामी होता है, एक देवता होता है जो उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उस क्षेत्र के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस दिशा में विशेष रूप से पूजा अर्चना करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा तीसरा नियम है मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए। देखिए, मां गायत्री की साधना आपको यदि करनी है तो आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आपको कोई बीमारी है या बुजुर्ग है तो आप झुक के बैठ सकते हैं, आसन लगा लीजिए, टिक जाइए किसी चीज से, कुर्सी रख लीजिए। लेकिन यदि कुश का आसन बना हो तो ज्यादा बेहतर है। कुश का आसन यदि आपके पास नहीं है तो आप कंबल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से कुश के आसन और कंबल दोनों ही बेहद शुद्ध माने जाते हैं। न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, यदि वैज्ञानिक दृष्टि की मैं बात कर लूं तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुश के आसन और कंबल का खासा महत्व है। ध्यान, पूजन, हवन के समय व्यक्ति की जो ऊर्जा रहती है वो शरीर में बनाए रखने में सहायक होती है। जमीन पर यदि आप बैठेंगे बिना किसी आसन के तो जो आपकी ऊर्जा है वो ऊर्जा धरती में अवतरित हो जाएगी, वो रोकना है। चौथा नियम होता है पद्मासन में बैठना चाहिए। देखिए, मां गायत्री की साधना के दौरान पद्मासन में ही हमें बैठना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक ये आसन करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है। नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है तो आसन सिद्ध हो जाता है। विशुद्ध नाड़ी तंत्र वाले योगी के विशुद्ध और शरीर में रोग की छाया तक नहीं रहती। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को रोग नहीं होते, बीमार नहीं होते, स्वेच्छा से शरीर का त्याग वो कर सकते हैं। दरअसल पद्मासन में बैठने से शरीर की ऐसी स्थिति बनती है जिसके चलते हमारा श्वसन तंत्र, हमारा ज्ञान तंत्र, हमारा रक्त भिसरण तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने लगता है, यानी कि ये तमाम चीजें सुचारू रूप से चलने लगती हैं। और इसका फल क्या होता है? इसका फल ये रहता है कि जो आपकी जीवन शक्ति है वो बढ़ती है। देखिए, जीवन शक्ति बढ़ेगी तो हमें जप करने की ऊर्जा मिलेगी। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन में एक विशेष प्रकार की आभा प्रकट होती है और इस आसन के द्वारा, इस आभा के द्वारा लोगों के बीच में आप बहुत खास हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप पद्मासन करेंगे तो आपकी आभा इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि लोग आपके पास आना चाहेंगे,
आप नहीं चाहेंगे तो भी आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही ये जो गायत्री साधना है वो जल्दी फलित होगी। लेकिन आपको इन चारे चारों नियमों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिएगा कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो भी उसके आसपास उठने की कोशिश करिए। देखिए कि क्या होता है कि हमने ब्रह्म मुहूर्त का एक तय वक्त कर लिया। यदि हम अलार्म लगा दें, आज के दौर की भी बिना अलार्म के तो बहुत कम लोग हैं जो कि उठ पाते हैं। अलार्म आप लगाइए और उसके बाद कोशिश करिए कि यदि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो मैं कम से कम धीरे धीरे करके पहले 6 बजे उठूं, फिर उसके बाद 5:45 बजे उठूं, 5:30 बजे उठूं, ऐसी कोशिश करिए। देखिए अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, ये साधना है और साधना हमेशा ही अभ्यास मांगती है। अभ्यास न सिर्फ शारीरिक, मानसिक तौर पर मैं बात करूं तो भी आपको अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे अभ्यास करिए, इससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी और जब तक आपकी साधना चलती रहेगी एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उस वक्त आपको घड़ी की अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो नींद है वो खुद ब खुद उठ जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखिए, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें बैठने में समस्या आती है, जैसे कि मैं माताओं बहनों की बात कर लूं, हमारे बुजुर्गों की बात कर लूं, तो खास तौर पर उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनका ये कहना होता है कि बैठे बैठे हमारी कमर दुखने लगती है या जोड़ों का दर्द हो जाता है। आमतौर पर माताओं में ऐसी शिकायत आती है क्योंकि ये हमने देखा है, हमारे घर में भी कुछ ऐसी समस्या बनी रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी माता है, आपकी दादी है या आपकी बहनें हैं, तो इनके लिए आप कोशिश ये करिए कि कोई एक कुर्सी लगा दीजिए, कोई टेबल लगा दीजिए, कोई सोफा लगा दीजिए जिसपे वो आरामदायक रूप से टिक सकती हैं और टिकने के बाद अपनी पूजा अर्चना कर सकती हैं। देखिए माँ गायत्री आपसे ये नहीं कहती कि आप सीधे ही बैठिए। माँ गायत्री ये नहीं चाहती है कि आप सीधे तो बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपकी भक्ति कहीं और है। माँ गायत्री हमसे कुछ नहीं चाहती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारी भक्ति है वो ज्यादा बेहतर तरीके से माँ गायत्री के चरणों में कितने अच्छे तरीके से अर्पित हो रही है। और इसी सच्चाई के साथ यदि आप कुर्सी पर बैठेंगे या सोफे पर बैठेंगे, यदि लेकिन यदि सही साधना करेंगे, यदि मन में आपके भक्ति है और माँ गायत्री के प्रति आराधना है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो आपकी पूजा है वो माँ गायत्री स्वीकार कर लेंगी क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं, उन्हें ये चाहिए कि आप श्रद्धा कितनी दिखा रहे हैं। देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खास बात सामने आती है, चूंकि आप यदि साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपको मंत्रों का जाप लगातार करना रहता होगा। कई दफा ऐसी भी बातें होती हैं कि जब आप माला के साथ मंत्र करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बोलने में सांस फूल रही है। खास तौर पर मैं थोड़े बुजुर्ग लोगों की बात कर लूं तो एक नियम उनके लिए भी है। आप क्या कर सकते हैं, आप मन में ही मन में जाप कर सकते हैं। देखिए मन ही मन में जाप करने से क्या होगा, मन ही मन में जाप करने से आपको बार बार सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं यदि मंत्र पढ़ता हूं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो अंत में जैसे सांस फूलती है, ऐसी हर एक व्यक्ति के साथ होती है। यदि आपका अभ्यास अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपसे नहीं बोलते बन रहा है तो आप मन में बोल सकते हैं। आप माला को जपते रहिए, माँ गायत्री के सामने बैठिए और मन में ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद देखिएगा कितने चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे। कोई भी साधना सफल तभी होती है जब हम उन्हें नियमों के साथ करते हैं। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि जो खास नियम मैंने आपको बताए इसका फायदा आपको जरूर होगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, तो जरूर चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय माँ गायत्री।